हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल उमेश भारद्वाज। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स का एक बेहतरीन टॉपिक, और जो कि आप लोगों ने व्यू किया कि भाई हमें मेंशुरेशन करना है, आप लोगों ने बोला मेंशुरेशन करना है। सो मेंशुरेशन के कुछ क्वेश्चंस और किस तरह से आप बहुत अच्छे से इन सब चीज़ों को एप्लीकेशंस को पुटअप कर सकते हैं क्वेश्चंस में, वो चीज़ें सीखेंगे। बाकी आप लोग अपनी इमेजिनेशन को मेंशुरेशन में किस तरह से पुट कर सकते हैं और आपकी इमेजिनेशन किस तरह से क्वेश्चन को बहुत सिंपल बना सकती है, वो चीजें सीखेंगे। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, क्वेश्चन आएगा आपके सामने यहाँ पर, मैंने इसलिए मार्क किया हुआ है, बाद में वो क्वेश्चन एडिट कर दिया जाएगा। अभी मैं क्वेश्चन जल्दी से पढ़ देता हूँ, क्या है क्वेश्चन आपको पता भी चल जाएगा। और ये आप कोई टेबल नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन ही सोल्व करेंगे, टाइम खराब ना हो फिगर्स बनाने में, इसलिए मैंने ये पहले ही बना दिया है। देखिएगा क्वेश्चन, स्विमिंग पूल से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, गर्मियां आ रही हैं, आई होप आपको पसंद आएगा। एक स्विमिंग पूल जिसकी लंबाई 20 मीटर चौड़ाई 10 मीटर, यह आरंभ में 4.5, मैं फिगर में इन चीजों को मेंशन करता चलता हूं ताकि आप लोग इन चीजों को अच्छे से समझ पाए। अगर मैं लंबाई की बात करता हूं स्विमिंग पूल की, तो यहां पर यह चीज हमें 20 दी हुई है कि भाई 20 मीटर है स्विमिंग पूल की लंबाई। उसके बाद 10 मीटर चौड़ाई दी हुई है, सो मैं कह सकता हूं कि भाई ये 10 मीटर चौड़ाई है, ठीक है। आप इसे अजम्पशन कीजिए कि एक स्विमिंग पूल है और आप जा रहे हैं स्विमिंग पूल के इनसाइड, और ये उसका एंट्री है कि आप यहां से जा रहे हैं। और यही बोला गया है क्वेश्चन में कि आरंभ में जब आप जाते हैं तो गहराई कितनी है, 4.5 मीटर। ये 4.5 मीटर है, यानी कि ये इतना डिस्टेंस है यहां तक 4.5 मीटर का दिया हुआ है। एंड इसकी गहराई अंत में समान दर से बढ़ती हुई, समान दर से बढ़ती हुई। दोस्तों, क्या आप ये नहीं कह सकते कि ये गहराई यहां पर बढ़ती जा रही है, यहां पर 4.5 थी और बोला गया है क्वेश्चन में कि लास्ट में बढ़ती हुई ये टोटल कितनी हो जाती है, 7.5 मीटर इसकी गहराई हो जाती है। इसका आयतन हमें बताना है, यानी कि हमें वॉल्यूम बताना है। इंग्लिश में भी ये चीजें आपको डायरेक्ट मिल जाएंगी जब मैं क्वेश्चन वहां पर एडिट कर दूंगा वीडियो में। बोला गया है लेंथ कितनी है, 20 मीटर, ब्रेथ है 10 मीटर, स्टार्टिंग में जो डीपनेस है, डेप्थ है, वो 4.5 मीटर की है, एंड 7.5 मीटर लास्ट में है। हमसे पूछा गया है कि इसका स्विमिंग पूल का वॉल्यूम क्या होगा, इसमें कितना पानी आया होगा, ये हमें बताना है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि आप एक अजम्पशन कर सकते हैं, आप अगर कभी वहां पर गए हो वाटर पार्क्स वगैरह में, तो वहां पर भी कुछ ऐसा ही होता है, जब आप एंट्री करते हैं तो पानी हल्का हल्का होता है, अंदर जाते जाते गहराई बढ़ दी जाती है। यहां पर एक चीज बहुत ज्यादा समझने की है, क्वेश्चन में मेंशन है कि जो डेप्थ है, ये जो डेप्थ है वो समान दर से बढ़ रही है, यानी कि इसका इंक्रीज रेट वो इक्वल है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में, और अगर आपको यह समझ में आ गई तो मैं आपको बता देता हूं आप किस तरह से इसका निकालेंगे, ना ही क्यूब बनेगा, कैसे करेंगे देखिएगा। अगर ये 20 है, ये 10 है, लेकिन आप बता दिए कि इसको क्यूब में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कुछ ऐसे। अगर ये समान रेट पर बढ़ रही है दोस्तों, तो आपने देखा कि 4.5 मीटर से लेकर 7.5 मीटर तक जो यहां पर चेंज आ रहा है, टोटल 3 मीटर का चेंज आ रहा है। और अगर ये टोटल 3 मीटर का चेंज है, मैं इसे बीच में लाकर, आपने कभी झूला झूला होगा स्कूल में बचपन में जब आप रहे होंगे, तो ओके मोस्टली जो गवर्नमेंट स्कूल्स है वहां पर झूले मिलते थे, झूले किस तरह से करते थे, कुछ ऐसा झूला होता था कि भाई ये पोल है और इस पर एक बेंच ऐसे है, एक कैंडिडेट, जब ये बेंच ऐसे नॉर्मल मोड में होता है बैलेंसिंग मोड में, तो एक कैंडिडेट यहां बैठ जाता है, एक कैंडिडेट यहां बैठ जाता है, जिसका वेट ज्यादा होता है वो तो नीचे की तरफ आ जाता है और जिसका वेट कम होता है वो ऊपर चला जाता है। कुछ ऐसी ही चीजें हम यहां पर अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अगर ये सेम रेट पर बढ़ रहा है, मैं इसका मिड पॉइंट ले लेता हूं, सेम रेट पर मिड पॉइंट मैंने लिया, यानी कि ये 3 का टोटल चेंज है और 3 के टोटल चेंज का मैंने मिड लिया 1.5। दोस्तों क्या करते हैं ना, इस वाली चीज को, यानी कि इस कॉर्नर को पकड़कर कुछ यहां तक झुका देते हैं, और सिमिलरली इसका वेट अगर यहां पर ज्यादा होता है तो ये नीचे झुक जाएगा, ये चीज वापस से ऊपर उठ जाएगी और ये कुछ इस बैलेंस में आ जाएगा।
जैसे ही ये इस बैलेंसिंग मोड में आएगा, आप देखोगे कि यहां पर ये 1.5 मीटर इंक्रीज कर जाएगी ये वाली लेंथ, और यहां से ये जो लेंथ थी ये कंप्लीट डेप्थ, ये वापस चली जाएगी 1.5, यहां पर माइनस 1.5 मीटर हो जाएगा और ये 1.5 मीटर यहां पर प्लस हो जाएगा। जैसे ही ये दोनों वैल्यूज, यहां पर कितना मिलेगा आपको 6 मीटर, 7.5 मीटर में से हम माइनस करेंगे 1.5 मीटर, सो आपको मिलेगा 6 मीटर। यहां पर कितना मिलेगा 6 मीटर। अब आप देख सकते हैं कि जो डेप्थ है अब वो इक्वल हो गई है, आपके पास लेंथ है 20, ब्रेथ है 10 एंड डेप्थ है कितना 6 मीटर। यहां से वॉल्यूम आप निकाल सकते हैं, क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगा सकते हैं जो कि होता है LBH। अब ये हमारे पास क्यूबॉइड बन गया और LBH आप यूज कर सकते हैं जो कि होगा 20 × 10 × 6, कितना आ गया 1200 मीटर क्यूबिक, और यही इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपने ये क्वेश्चन पहले नहीं किया होगा तो शायद आपके लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं। ओके, आई होप आपको तरीका अच्छा लगा होगा, मेथड अच्छा लगा होगा, और यही इमेजिनेशन आपको यूज करनी होती है मेंसुरेशन के क्वेश्चंस में। ठीक है कि भाई आज आप अजम्पशन ले लें कि आप कुछ इसी तरह से पूल में एंट्री करते हैं और इसी तरह से कुछ डेप्थ बढ़ती जाती है और आप उसका वॉल्यूम इजिली निकाल सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। जो भी ये क्वेश्चंस हैं वो विद ऑप्शंस आपको यहां पर साइड में मिल जाएंगे। ओके चलिए मैं जल्दी से आगे बढ़ता हूं ताकि टाइम वेस्ट ज्यादा ना हो और फिगर्स भी जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश करूंगा, तो थोड़ा सा लीनियंट रहिएगा। अगर कुछ चीजें नहीं भी समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आपको दोबारा से वो चीजें बता दी जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक लेते हैं भाई। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक आयताकार लोहे की चादर जिसकी लंबाई 20 मीटर व चौड़ाई 14 मीटर है, यानी कि एक आयरन शीट है हमारे पास, उसकी लेंथ है 20 मीटर एंड ब्रेथ है 14 मीटर, इसमें इससे अधिकतम आयतन की एक पानी की टंकी बनाई गई। कहने का मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम की एक टंकी बनाई जाती है उसी शीट का यूज कर, जिसकी ऊंचाई यानी कि टंकी की जो हाइट होगी वो 2 मीटर है, हमें टंकी का आयतन बताना है। इस क्वेश्चन में सबसे एक क्या है ना बात समझने की कि यार शीट से टंकी कैसे बनेगी। ऑब्वियस ही बात है, शीट जो होगी आपके पास कुछ रेक्टेंगुलर शेप में होगी, क्योंकि उन्होंने लेंथ भी अलग से बताया है और ब्रेथ भी अलग से बताया है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको समझने की होगी थोड़ा सा कि एक शीट से हम टंकी किस तरह से बनाएंगे। ये देखिएगा, ये हमारे पास शीट है जिसकी लेंथ हमें बोली गई है 20 मीटर एंड ब्रेथ हमें बोला गया है 14 मीटर। इस रेक्टेंगुलर शीट से टंकी बनना, और टंकी फिर बनेगी तो कैसे, जो हमारा रेक्टेंगुलर फिगर होता है वो क्यूबॉइडल फिगर में चेंज होता है, ठीक है। लेकिन किस तरह से यहां से टंकी बनेगी देखिएगा, और टंकी की हाइट कितनी होनी चाहिए, 2 मीटर टंकी की हाइट होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, यहां से ये 2 मीटर एंड ये 2 मीटर ये हमने कट किया, और सिमिलर प्रोसेस हम चारों ही कॉर्नर्स पर यूज करेंगे, 2-2 मीटर का मार्क यूज करेंगे, 2 मीटर का कट यूज करेंगे। अब आपने देखा कि ये यहां पर भी 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, सिमिलरली ये सभी हमने 2 मीटर के मार्क कट किए हैं। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, अगर हम इन्हीं कॉर्नर से इन्हें बैंड कर देंगे कुछ इस तरह से, ये यहां से बैंड हो जाएगा, लेंथ पार्ट इस कॉर्नर से बैंड होगा, ये सेम एंड ब्रेथ पार्ट इस तरह से सेम। ये 2 मीटर यहां से कट गया, 2 मीटर यहां से कट गया, बचा कितना 20 − 4, ये कितना हो गया लेंथ 16 मीटर। सिमिलरली ये भी 16 मीटर, यहां से 2 मीटर गया, यहां से 2 मीटर गया, 14 में से माइनस होगा तो ये कितना बच गया 10 मीटर एंड ये भी 10 मीटर। अब आप देख सकते हैं जैसे ही आप इस शीट को इन कॉर्नर से बैंड करेंगे कुछ इस तरह से, कि मैं ये पेपर मान लेता हूं, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये पेपर एक शीट है, कॉर्नर से आप इस तरह से बैंड करेंगे, सिमिलरली लेंथ पार्ट को ऊपर की तरफ बैंड करेंगे,
और आपको एक टंकी की फिगर मिलेगी जिसकी लेंथ, ब्रेड एंड हाइट यूज कर आप वॉल्यूम निकाल सकते हैं। लेंथ कितनी है 16, ब्रेड है 10 एंड हाइट होगी 2। 16 2 जा 32 एंड 10, यहां पर ये वॉल्यूम आ जाएगा आपका 320 m³। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चंस जो होते हैं उनको आप डायरेक्टली फॉर्मूला में पुट करके यूज कर सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन जब क्वेश्चंस कुछ थोड़ा सा भी चेंज होकर आ जाता है तो इसी तरह से आपको अपनी अजम्पशंस यूज करनी होती हैं, इमेजिनेशन यूज करनी होती है, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी सीखने के पर्पज से अगर देखा जाए तो। ओके, आई होप कि आपको चीजें समझ आ रही होंगी। आगे बढ़ता हूं और कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं, कुछ और चेंज कर कर भी क्वेश्चन लेते हैं, क्यूबाइडल वगैरह पर ही नहीं स्टक रहते हैं। बाकी चैप्टर वाइज जब चीजें करना स्टार्ट करेंगे ना तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और अच्छे लेवल तक चलेंगे। अब वो एवरेज क्वेश्चंस, हॉट्स लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी लेंगे, चाहे फिर वो SSC के लिए हो, Tier 2 के लिए हो या फिर कैट लेवल के आए हुए हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिएगा, अब हम एक क्वेश्चन लेकर चलते हैं ट्रेपीजियम बेस्ड जो आते हैं। आपको कुछ चीजें गिवन होती हैं, कुछ नहीं होती हैं, क्योंकि जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पुट होते हैं ना उनमें कुछ चीजें आपको खुद से निकालनी होती हैं। जैसे यहां पर हुआ, ऐसा नहीं है कि आपको सभी चीजें गिवन हो और आपको बहुत इजी प्रोसेस बना दे। हाँ, DE++B वगैरह में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, फॉर्मूलाज बेस्ड हैं, आपको फॉर्मूलाज भी डायरेक्ट याद होंगे, आप बहुत इजीली कर सकते हैं। देखिएगा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिखता हूं, गिवन दिया हुआ है AC इज इक्वल टू BD। एक फिगर मैं पहले बना देता हूं यहां पर, ये एक ट्रेपीजियम है, एक ट्रेपीजियम का फिगर होगा ये। ट्रेपीजियम को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे ठीक से बहुत ज्यादा नहीं पता है, समलंब चतुर्भुज आई थिंक इसे बोला जाता है। ठीक है, यहां पर फिगर है ए बी सी एंड डी। हमें बोला गया है ए बी पैरेलल है सी डी के एंड ए सी इक्वल है बी डी के। आपको पता होना चाहिए कि जो ट्रेपीजियम का केस आता है वो ट्रेपीजियम यानी कि समलंब चतुर्भुज, आई थिंक मैं बिल्कुल ठीक ही हूं। ठीक है, जब ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाती हैं सो इसे बोला जाता है आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। जैसे ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल हो जाती हैं तो क्या बोला जाता है उसे, आइसोसेलेस ट्राइंगल। कुछ उसी तरह यहां पर ट्रेपीजियम की दो साइड्स इक्वल होने के बाद इसे बोला जाता है आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। यहां पर हमें बोला गया है कि भाई ए बी पैरेलल है सी डी के और ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये हमारा आइसोसेलेस ट्रेपीजियम का केस आ गया। हमें डायगोनल दिया हुआ है ए डी, ए डी हमें बोला गया है कि ए डी 15 है। ठीक है, और इसका जो हाइट है, हाइट क्या होता है ट्रेपीजियम की हाइट, मैं इसे एम पॉइंट मान लेता हूं। सो हमें बोला गया है कि भाई ए डी इज इक्वल टू 15 cm है एंड ए एम यानी कि हाइट ऑफ ट्रेपीजियम वो 9 cm है, कुछ ऐसा ही दिया हुआ है क्वेश्चन में। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही दिया हुआ है। और हमें बताना है एरिया, क्या बताना है एरिया बताना है इस गिवन ट्रेपीजियम का। आप देख सकते हो फिगर में, और अगर आपको ट्रेपीजियम का एरिया फॉर्मूला याद हो सो क्या होता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। मैं एक बार लिख देता हूं, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का। यानी कि अगर आप ट्रेपीजियम का एरिया निकालना चाहें सो आप यहां से निकाल सकते हो। लेकिन आपके पास ना तो ये साइड है ना ही ये वाली साइड गिवन है सी डी, इनका सम कैसे निकालेंगे, नहीं निकाल सकते। हाइट आपको दी हुई है 9, ये 9 दिया हुआ है। अब बात आती है कि किस तरह से इन चीजों को अप्रोच करें। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जो हाइट होती है वो एल्टीट्यूड होती है। ओके, परपेंडिकुलर वो लेंथ होती है किसी भी फिगर में अगर आप निकालते हो। सो सबसे पहली बात कि ये यहां पर 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा,
ठीक है, ये जो हाइट होगा वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा होगा एम पॉइंट पर। अब अगर मैं बात करूं कि भाई ये 15 है, ये 9 है, ये 90 है, तो आप बताइए कि 15 आपके पास ट्रिपलेट्स आपको याद होंगे, ट्रिपलेट्स जो होते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में, सो यहां पर कितना हो जाएगा एम डी कितना हो जाएगा 12। ठीक है, आप देखिए 15 का स्क्वेयर यानी कि 225 माइनस करेंगे 9 का स्क्वेयर यानी कि 81, आपको क्या मिलेगा 4, 12 माइनस 8 4 एंड 1 यहां पर बचेगा 144 जो कि स्क्वेयर होता है 12 का। इसीलिए यहां पर पाइथागोरस थ्योरम से हमने निकाल लिया कि भाई एम डी हमारा 12 होगा। अब देखिएगा अब क्या खेल खेलना है हमें यहां क्वेश्चन के साथ। चलिए मैं इस चीज को रब कर देता हूं क्योंकि वहां पर हमें अपना फिगर कंटिन्यू करना है थोड़ा सा। ये देखिएगा ये क्वेश्चंस डिटेल आपको वहां बोर्ड के साइड में देखने को मिल जाएंगी। ये देखिएगा आप बताइए क्या ये वाली फिगर जो है यहां पर सेम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में ये वाली ट्राइंगल और ये वाली ट्राइंगल अगर मैं यहां पर कुछ बनाता हूं ऐसे, ये भी 9 होगी भाई, ये भी 9 होगी, और सी एम मैं यहां पर एन पॉइंट लेता हूं, सी एम इक्वल होगा एन डी के। अगर ये वाला पार्ट काट के, कौन सा पार्ट जो मैंने अभी अभी शेड किया है, ये शेडेड पार्ट अगर काट कर मैं इधर चिपका देता हूं, कैसे चिपकाऊंगा, कुछ इस तरह से चिपका देते हैं, चिपका दिया जी। अब ये क्या बन गया, अब यहां से तो ये पार्ट खत्म हो गया और मैंने यहां पर इसे चिपका दिया। आप देख सकते हो एम से लेकर डी की लेंथ कितनी है 12 है, इसका मतलब ये सामने वाली ए से लेकर यहां तक ओ पॉइंट में से मान लेता हूं ए ओ की लेंथ भी 12 हो जाएगी कंप्लीट। अब देखिएगा ये क्या बन गया, ये हमारा रेक्टेंगल बन गया, ये 12 है ये भी 12 होगी, ये हाइट यहां पर 9 है तो ये कंप्लीट भी 9 होगी, होगी कि नहीं। ठीक है, और आपको सिर्फ रेक्टेंगल का एरिया निकालना होता है जो कि एल इंटू बी होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। यहां पर लेंथ है 12 और ब्रेथ आपको मिल गई 9, आंसर आ गया 108 सेंटीमीटर स्क्वेयर। कितना इजी हो जाता है आपकी अजम्पशंस और आपकी इमेजिनेशंस यहां मेंशुरेशन में यूज करने के बाद, और आपको यही चीजें सीखनी होंगी कि कुछ चीजें अगर गिवन ना हो तो किस तरह से आप उन्हें निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियोस को। प्लीज जो न्यू व्यूअर्स हो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, न्यू व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा अगर चीजें आपको पसंद आ रही हैं तो। आगे जो भी चीजें आएंगी कॉन्टिन्यूटी में बहुत बेहतरीन तरीके से कराई जाएंगी। अभी तक आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा रहा है चैनल के लिए और आप ही लोगों ने ज्वाइन किया है और इसीलिए 20,000 प्लस सब्सक्राइबर भी हो गए हैं, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मी एंड टू यू ऑल्सो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, किस तरह से आप चीजों को पुट अप कर सकते हैं। किसी आयत की लंबाई दोगुनी कर दी जाए तथा चौड़ाई आधी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या परिवर्तन होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन, लेकिन क्यों लिया है ये बात समझनी जरूरी है। मेंशुरेशन में आप परसेंटेज का कैसे यूज कर सकते हो ये चीजें यहां पर आपको सीखने को मिलेगी। अगर आपको परसेंटेज चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप उन्हें किस तरह से मेंशुरेशन में ढाल सकते हो, अपने लिए हेल्पफुल बना सकते हो उन चीजों को, ये चीजें समझना जरूरी है। चलिए क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ देता हूं फिर से। किसी आयत यानी कि किसी रेक्टेंगल है हमारे पास कोई, मैं बना देता हूं आपको चीजें समझ आ जाएंगी अच्छे से। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, इसने बोला है कि रेक्टेंगल की लेंथ, ये लेंथ है और जी ये ब्रेथ है। अगर रेक्टेंगल की लेंथ को क्या बोला है दोगुना कर दिया जाए यानी कि 2 times कर दिया जाए और उसकी ब्रेथ को हाफ कर दिया जाए तो एरिया पर क्या फर्क पड़ेगा, हमें यह बताना है। एक चीज समझने की कोशिश कीजिएगा, जरूरी नहीं है कि रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ को आप अलग अलग वैल्यूज में माने। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए दोस्तों क्योंकि एक रेक्टेंगल स्क्वेयर हो सकता है बट एक स्क्वेयर कभी भी रेक्टेंगल नहीं हो सकता, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। किस तरह से देखिएगा, मैं मान लेता हूं लेंथ भी 10 है ब्रेड्थ भी 10 है, ठीक है,
हमने ये मान लिया कि भाई लेंथ भी 10 है और ब्रेथ भी 10 है और ये हमारी एक रेक्टेंगल है। उसके बाद अब बोला गया है कि लेंथ को हाफ कर दिया, सॉरी लेंथ को 2 times कर दिया जाए, यानी कि दोगुना कर दिया जाए, तो भाई ये हो गई 20। ठीक है, बोला गया कि ब्रेथ को हाफ कर दिया जाए, कितना हो गया 5। एरिया पर क्या फर्क पड़ा भाई? पहले अगर मैं बात करता हूं L1 एंड B1, ये हमारी L2 आई और ये हमारा B2 आया। ठीक है, L1 एंड B1 क्या था हमारा 100, L1 इंटू B1 10 × 10 यानी कि 100। L2 इंटू B2 क्या आया हमारे पास 20 × 100। तो क्या फर्क पड़ा कुछ एरिया पर? कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। एक तो सीधा सीधा ये तरीका हुआ। अब मैं बात करता हूं परसेंटेज वाले तरीके की, कि परसेंटेज में क्या यूज होता है। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा हमसे ही कि भाई x + y + xy/100 ये हमारे टोटल इफेक्ट देता है, टोटल इफेक्ट हमारे पास आता है। अगर मैं किसी भी चीज को 50% इंक्रीज कर रहा हूं, कहने का मतलब सीधा सीधा यहां पर क्या आ जाता है भाई, दोगुना कर देना। दोगुना करना मतलब कितना होता है कि भाई चलो मैं यहां पर ये 50 भी हटा देता हूं। कोई चीज अपने आप में 100% थी, ठीक है, दोगुना कर दिया आपने, ये कर दिया जी दोगुना, एक मान लो चीजों को, ठीक है, यहां पर आपने आधा कर दिया। कुछ इस तरह से भी प्रोसेस में लेकर आ सकते हो चीजें, या 50% इंक्रीज और 50% डिक्रीज में भी लेकर आ सकते हो चीजों को, किसी भी तरीके से लेकर आ सकते हो। और इस फॉर्मूला का बहुत बेहतरीन यूज मैं आपको बताऊंगा, चाहे वो आप प्रॉफिट एंड लॉस में लगा लीजिएगा, चाहे मेंशुरेशन में कहीं पर लगा लीजिएगा, चाहे आप परसेंटेज में यूज कर लीजिएगा, चाहे रेशियो एंड पर, जहां पर भी परसेंटेज टोटल इफेक्ट, जहां पर आप इनकम के क्वेश्चंस करते हो, जहां पर इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग के क्वेश्चंस करते हो, टोटल इफेक्ट आपको प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट इतना परसेंट हुआ और लॉस इतना परसेंट हो गया, टोटल अर्निंग पर कितना इफेक्ट होगा, ये सभी क्वेश्चंस इन फॉर्मूला से किए जा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ता हूं एक क्वेश्चन के साथ, देखिएगा। तो ये चीजें आप सीखकर चलिएगा, और खासकर ये जो रेक्टेंगल वाला और स्क्वायर वाला चीज है, ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत हेल्प करेगा क्वेश्चंस करने में, कि कभी भी रेक्टेंगल की लेंथ अगर आपको माननी ही है और वो परसेंटेज में माननी है, और आपको पता है कि 10 मानकर हमारा काम हो जाएगा, तो जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा 100 ही मानने की जरूरत हो। देखिएगा एक क्वेश्चन, किसी स्क्वायर की एक भुजा 20% बढ़ाई जाए तथा दूसरी भुजा 10% घटाई जाए, तो प्राप्त आयत के क्षेत्रफल में क्या क्या परिवर्तन होगा, क्या चेंज होगा? हमें सीधा सीधा ये बोला हुआ है भाई कि एक स्क्वायर है हमारे पास, जैसा कि मैं यहां बना देता हूं, ये देखिएगा, ये एक स्क्वायर फिगर है हमारे पास, और इन्होंने बोला है, चलिए मैं इसे नाम भी दे देता हूं ABCD। ठीक है, ये एक स्क्वायर फिगर है, बोला है कि एक भुजा 20% बढ़ाई जाए। अब मैं मान लेता हूं कि भाई ये भी 10 है और ये भी 10 है, एक भुजा 20% बढ़ानी है, तो 10 का 20% कितना होता है 2, इसका मतलब 10 से 12 ये हो गई है, 20% हमने इसमें प्लस कर दिया है, सही रही बात। उसके बाद बोला गया है दूसरी भुजा 10% घटाई जाए, ये लो जी, अगर मैं -10% यहां से कर देता हूं, तो 10% कितना होता है 1, यानी कि ये 9 हो जाएगी। पूछ रहा है हमसे कि प्राप्त आयत, उसके बाद ऑब्वियस सी बात है हमें आयत मिलेगी, क्योंकि यहां पर ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, और जब लेंथ और ब्रेड्थ अलग अलग हो तो वो हमारी रेक्टेंगल ही होती है, उसपे नहीं होता है। ठीक है, सो हमें बताना है क्या फर्क पड़ेगा। तो ये भाई 10 × 100, पहले तो एरिया 100 था, अब कितना हो गया 12 × 9 = 108, कितना बढ़ गया +8 हो गया, कितने के ऊपर हुआ है 100 के ऊपर हुआ है, और 100 के ऊपर जो चीज जितनी होती है, चाहे वो बढ़े या घटे, जितनी होती है वो हमारी परसेंटेज होती है, इसका मतलब 8% इंक्रीज कर गया एरिया। आई बात समझ में? ये परसेंटेज के रूल्स है, मैंने पहले भी कराया है चैप्टर, जो मैंने TN कॉलेज ऑफ कॉम्पिटिशन की मैथमेटिक्स बुक का कंप्लीट सोल्यूशन दिया है, वो चीजें कंप्लीट D++B के लिए थी, लेकिन अगर आप लोगों को भी बेसिक सीखना है तो वहां से सीख सकते हैं, विद स्टेटमेंट मैंने वहां पर इवन परसेंटेज की थ्योरी भी कराई है, जो कि शायद आपको किसी भी चैनल पर देखने को ना मिले,
कि परसेंटेज में क्या थ्योरेटिकल पार्ट होता है, ठीक है, ये चीजें हैं। उसके बाद जो मैंने आपको फॉर्मूलाज की बात की कि भाई इस फॉर्मूला में हम कैसे कर सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, यहां पर हम टोटल इफेक्ट किस तरह से निकाल सकते हैं, देखिएगा हमारा इंक्रीमेंट कितना हुआ था 20% का, तो भाई इंक्रीमेंट हमेशा पॉजिटिव रहता है, हमने पॉजिटिव मान लिया। उसके बाद डिक्रीमेंट हुआ 10 का, सो हमने -10 यहां पर कर दिया, देन यहां पर एक्स वाई यानी कि 20 × 10, ये 20 × 10 हमने यहां किया और डिवाइडेड बाय 100 एज इट इज हमारे पास था ही। ये देखिएगा 20 में से 10 गए, भाई यहां पर 10 बच गए। उसके बाद ये 10 और ये 10 टूजा पर 20 कट जाएगा, तो यहां पर देखिएगा कितना बचा, ये सॉरी माइनस आएगा यहां पर, वो माइनस इसलिए क्योंकि 20 × -10 वहां था, सो ये माइनस रहेगा, ये -2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहां पर 8। और क्योंकि ये 8 पॉजिटिव आया है, प्लस में आया है इस, और ये प्लस हमें यही बताता है कि इंक्रीमेंट हुआ है। अगर यहां पर नेगेटिव आ जाता तो आप मानते कि वो डिक्रीज कर गया है, सो ये 8% इंक्रीज कर जाएगा क्या एरिया, कब, जब लेंथ को 20% इंक्रीज कर दिया जाए और ब्रेड को 10% डिक्रीज कर दिया जाए। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, ये क्वेश्चंस थे आपके लिए कि भाई आपको पता चल सके कि मेंशुरेशन को किस तरह से आप यूज कर सकते हो, बाकी कॉन्सेप्ट्स का यूज कर भी मेंशुरेशन के साथ किस तरह से आप खेल खेल सकते हो, और एग्जाम में वो आपके लिए किस तरह से हेल्पफुल हो सकती है। सो बाकी जो भी चीजें होंगी आप प्लीज पहले इसके लिए व्यूज दीजिए अपने, अगर आपकी कोई फीडबैक है, अगर आप कोई भी सजेशन देना चाहते हैं सो वो भी दे सकते हैं। हाँ इतना जरूर है कि बोर्ड को थोड़ा सा बड़ा करने जा रहे हैं कि भाई अच्छे से सारी चीजें लिखी जाए, समझाई जाए, क्वेश्चंस आपके लिए यहाँ पर सेट कर दिए जाए, कुछ कुछ चीजें हैं इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे, आई होप आपको पसंद आएगा। सो वीडियो को लाइक करना शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, न्यू सब्सक्राइब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा जो न्यू व्यूवर्स हैं, ओके, और फ्रेंड्स में ग्रुप्स में जहां पर भी मन करे, फ्री एजुकेशन है चैनल को, सबसे बड़ी बात है पेड कभी नहीं किया जाएगा, ना ही आज है ना ही कभी आगे किया जाएगा, एकदम फ्री एजुकेशन है सभी के लिए। कुछ हमारी मेहनत जो भी लग रही है कोशिश करेंगे कि यूट्यूब से ही निकाल लिया जाए, लेकिन आप लोगों से कुछ भी नहीं उस चीज के लिए लिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ आपका प्यार, आपकी सपोर्ट और जो भी चीजें हैं आपकी फीडबैक, आपके सजेशंस आप देना चाहें, मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।